और क्या हाल चाल गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ज़ेनोसामा गोकू को इरेज कर देते हैं, बट कुछ समय बाद गोकू वहाँ से वापस के वापस आ जाता है। अब ज़ेनोसामा में भी इतनी पावर नहीं थी कि वो गोकू को इरेज कर सकें, तो गोकू उन्हें बोलता है कि मैं आपसे फाइट करूँगा। फिर ज़ेनोसामा अपने दोनों गार्ड्स के साथ फ्यूज कर लेते हैं और वो बनते हैं ट्रू ओमनी किंग। और अब होती है गोकू वर्सेस ट्रू ओमनी किंग के बीच में फाइट। अब आगे फिर ग्रैंड प्रिंस ज़ेनोसामा को रोकते हुए बोलते हैं कि आप प्लीज़ रुक जाइए, क्योंकि अगर हम अभी हम नहीं रुके तो वो आज़ाद हो जाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट उन चार डीमंस की बात कर रहे थे जिन्होंने सदियों पहले गॉड ज़ेलामा ने एक डायमेंशन में कैद कर दिया था। और फिर वो गोकू को भी समझाते हैं कि अगर हम अभी हम नहीं रुके तो उन्हें रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सुनने के बाद गोकू को थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है कि मेरे इतने पावरफुल होने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो ग्रैंड प्रिस्ट को डर रही है। पर वो दोनों फाइट करना बंद नहीं करते। बट तभी एक बहुत बड़ा पोर्टल अनलॉक हो जाता है और वो खुलते ही वो कई सारे यूनिवर्सेस को ऐसे ही निकल जाता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और ज़ेनोसामा वो उनको रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं। गोकू उनकी मदद इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे भी कुछ कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि उस पोर्टल के पीछे कुछ ज़्यादा ही भयानक चीज़ें थी। और वो पोर्टल ब्लास्ट हो जाता है और उस पोर्टल में से निकलते हैं चार डीमंस। फिर ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं गॉड ज़ेलामा के अलावा और कोई नहीं है जो इन्हें रोक सके। अब हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा किसी और प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो गोकू से उस चीज़ का बदला लेना चाहता था जो उसने उसके दोस्तों के साथ किया था। तो क्या है वेजिटा इनके खिलाफ रहेगा या फिर इनका साथ देगा? चलिए आगे देखते हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनोसामा को लेके मास्टर से चले जाते हैं क्योंकि वो इस लड़ाई में पढ़ना नहीं चाहते थे। तभी वेजिटा को वो एनर्जी महसूस होती है। वो किसी और डायमेंशन में था बट ये एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि वो उस तक को महसूस हो रही थी। फिर वो सोचता है कि ये एनर्जी पक्का कैकरोड की होगी, बट वो देखता है कि ये एनर्जी उसे चार अलग अलग लोगों से महसूस हो रही है। तो वो सोचता है कि आखिर ये एनर्जी किसकी हो सकती है। तभी गोकू बोलता है कि मैंने ग्रैंड प्रिंस से तुम्हारे बारे में जितना सोचा था तुम उतने स्ट्रॉन्ग तो लग नहीं रहे हो। फिर वो चार डीमंस में से एक डीमन बोलता है क्या तुम ज़ेनोसामा के दोस्त हो? फिर गोकू बोलता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे पहले सब दोस्त थे मगर अब कोई नहीं है। फिर वो जो चार डीमंस होते हैं वो एक मजाक बना के बोलते हैं कि तुम जैसे मॉर्टल पावर लेवल के बारे में क्या जान सकते हो। फिर वो जो गोकू होता है वो उन पे हमला करने लग जाता है। वो उन पे एक सेकंड के अंदर 1,000,000 से भी ज़्यादा पंचेस का यूज़ करता है और उन डीमंस की हालत ख़राब हो जाती है। बट उनमें से जो एक डीमन होता है वो अपने आप को फिर से रिजनरेट कर लेता है, जो गोकू देख के हैरान हो जाता है। वो जितनी बार लड़ता वो डीमंस उतनी बार अपने आप को रिजनरेट कर लेते थे। ऐसे गोकू का स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा था। वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 4 फॉर्म से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 में आ जाता है क्योंकि उससे उसके काफ़ी स्टेमिना कम हो रहा था। और फिर वो सोचता है कि वो उस डीमन पे जितनी बार भी अटैक कर रहा है उसकी पावर उस डीमन को मिल रही है। और वो डीमन गोकू का मजाक बना के बोलता है कि तुम्हें लड़ने से पहले अपने अपोनेंट के मूव जान लेने चाहिए। गोकू को पहले ये लगता था कि पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रैंड प्रिस्ट और उससे ऊपर ज़ेनोसामा हैं, पर ये लोग उनसे भी ऊपर थे। बट गोकू रुकता नहीं है और वो फिर से अटैक करने जाता है, पर डीमन के एक पंच से ही वो बेहोश हो जाता है। वो डीमन गोकू को मारने वाला होता है बट उसके बगल में खड़ी एक डीमन जिसका नाम टोवा होता है वो उसे मारने से मना कर देती है कि हमें इस मॉर्टल को नहीं मारना चाहिए, इस मॉर्टल को जिंदा छोड़ दो। बाद में बोलता है कि ये मॉर्टल बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, मुझे इसे अभी ख़त्म करना होगा। बाद में टोवा बताती है कि ये मॉर्टल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही है जिसकी वजह से सील ब्रेक हुई है, और अगर हमने इसे मार दिया तो हमारी जो आखिरी उम्मीद है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और वो साथ में ये भी बोलती है कि इस मॉर्टल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये हमारी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। ये सुन के वो बोलता है हाँ, ये बात सुन के सुप्रीम डीमन बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बाद में एक दूसरा डीमन उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम इस यूनिवर्स में लेने की। बाद में वो उससे इस गलती के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वो गोकू को उस सील में लेके चले जाते हैं। फिर वेजिटा को महसूस होता है कि गोकू का पावर लेवल इस यूनिवर्स से जा चुका है, शायद गोकू को किसी ने मार दिया है, वेजिटा ऐसा सोचता है। और बाद में दिखाया जाता है कि गोकू एक अनजान जगह पे उठता है। वो अपने सामने उन्हीं चार डीमंस को देखता है। फिर वो डीमन उसे बोलता है कि तुम मुझसे मत डरो क्योंकि तुम हम में से ही एक हो। वो डीमंस गोकू को दो ऑप्शन देते हैं, या तो गोकू उन्हें ज्वाइन करे, अगर नहीं किया तो गोकू को वो मार देंगे। गोकू सोचता है कि इनसे दुश्मनी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी उसे ज़ेनोसामा से बदला ही तो लेना है, तो वो उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। और बाद में जिस डीमन ने उसे पकड़ा था वो उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब तुम हम में से ही एक हो। गोकू पूछता है कि अब मैं कहाँ पे हूँ,
अब जब गोकू उनमें से ही एक था तो वो लोग उसे सच बता देते हैं। फिर वो लोग बताते हैं कि बहुत साल पहले दो मल्टीवर्स होया करते थे और उनका एक गॉड था और उसके दो बेटे थे, एक था गॉड जालामा और एक था शिनुबु। गॉड जालामा बहुत शांत स्वभाव का था और शिनुबु एकदम उसका उल्टा था। वो दोनों इसी बात पर झगड़ते रहते थे कि यूनिवर्स उसको कैसे चलाना चाहिए और कौन बनेगा अगला ओमनी किंग। और ये देखने के बाद गॉड्स ने ओमनीवर्स को दो हिस्सों में बांट दिया और उन एक मल्टीवर्स में थे गॉड जालामा रूल करने के लिए और दूसरे मल्टीवर्स में शिनुबु। गॉड जालामा के मल्टीवर्स में थे 18 यूनिवर्सेस और शिनुबु के मल्टीवर्स में थे कुल 16 यूनिवर्सेस। गॉड जालामा तो अपने यूनिवर्सेस में खुश थे बट शिनुबु को उनका भी यूनिवर्स चाहिए था। और जब गॉड जालामा और शिनुबु के फादर मर गए तो उन मल्टीवर्सेस का बैलेंस भी बिगड़ गया था और फिर सभी लोग गॉड जालामा पे हमला कर देते हैं उनको यूनिवर्स हटाने के लिए। और सब लोगों का ये मानना है कि ये फाइट बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और ये फाइट पूरे करोड़ों सालों तक चली थी। पर फाइनली जालमा ने उनको एक डायमेंशन में लॉक कर दिया था और तब से अब तक हम इसी डायमेंशन में लॉक हैं। पर तुम्हारी और जैनोसामा की फ़ाइट की वजह से इस बैरियर में क्रैक आ चुका है और वो लोग कहते हैं कि तुम हमारी मदद करोगे इस बैरियर को तोड़ने में। बाद में गोकू ये कहने के लिए हाँ कह देता है और वो मन में सोचता है कि जब मेरे को मेरी पावर मिलेगी तो मैं इन सबको डिस्ट्रॉय करके यहाँ से भाग जाऊँगा क्योंकि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और बाद में टोवा बोलती है कि हमें इसे सुप्रीम डीमन के पास लेके जाना चाहिए और उनके पास जाते ही सारे डीमन झुक जाते हैं सिवाय गोकू के। बाद में एक डीमन बोलता है कि बेवकूफ़ तुम्हें पता नहीं है ये कौन है, इनके सामने कैसे बर्ताव करना है। फिर गोकू बोलता है हाँ तुम मुझे ये 1000 बार बता चुके हो पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन है। सभी डीमंस हैरान हो जाते हैं और सुप्रीम डीमन गुस्से से पूछते हैं कि ये मोर्टल हमारे यूनिवर्स में क्या कर रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मोर्टल को दूसरे यूनिवर्स में लाने की। फिर टोवा बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, बिना आपकी ऑर्डर्स के मैं इस मोर्टल को इस यूनिवर्स में लेके आई पर इस मोर्टल को हम हाथ से जाने नहीं दे सकते क्योंकि इसी मोर्टल की वजह से इस बैरियर में क्रैक आया है और यहाँ तक कि इस मोर्टल ने ग्रैंड प्रीस्ट और जैनोसामा को मार ही दिया था तो हमें इसे मोर्टल नहीं कहना चाहिए। फिर सुप्रीम डीमन बोलते हैं कि मेरे लिए जैनोसामा तक के मोर्टल्स को मेरे मोर्टल्स ही कहूँगा और मेरी कोई इस पर यकीन नहीं है बट अगर ये सच है तो तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो, तुम जैनोसामा और ग्रैंड प्रिंस को संभालो और मैं उस गॉड जालामा पे कंट्रोल करूँगा। आखिर मैं उसे गॉड जालामा कह ही क्यों रहा हूँ। तो जिन लोगों को लगता है कि गॉड जालामा एग्जिस्ट नहीं करते या फिर वो अभी ज़िंदा नहीं है तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि गॉड जालामा अभी ज़िंदा है और वह एक बहुत गहरी नींद में है और लगता नहीं है कि वो अभी जल्दी उठेंगे। और अब गोकू उनकी टीम का एक हिस्सा था तो वो अपनी पावर हासिल करने के लिए फिर से ट्रेनिंग करने लग जाता है और वो उन सब डीमंस को यकीन दिला रहा होता है कि वो उनका दोस्त है।